सो भाई फाइनली हम आ गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पर कैंपटी फॉल। और भाई कैंपटी फॉल में भाई एक तो है ना ये पानी जैसे जैसे नीचे गिर रहा है ना इसके साथ साथ है ना हवा आ रही है और हवा में है ना पानी की है ना पानी की बूंदे आ रही हैं और जिसकी वजह से ना हाथ पैर गिल्ले हो रहे हैं हमारे। रखी ये बताओ भाई पानी आ रहा है भाई? बिल्कुल मुँह पे लग रहा है। मुँह पे लग रहा है। हवा कैसी चल रही है यहाँ भाई? ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई। बिल्कुल ठंडी एक नंबर भाई। मजा आ गया भाई। मतलब वर्थ था हमारे यहाँ पे आना ना। मैं पहले हॉट साफ कूल हो गया हूँ। हॉटनेस हॉटनेस दिख रही है कि भाई। चलो भाई कर लेते हैं थोड़ा एंजॉय और देखते हैं अगर कुछ लेते हैं या फिर ओडन खटोले में बैठते हैं। वैसे तो भाई जवान लड़के हैं अपने आप चढ़ जाएंगे भाई। ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं होंगी करीब 100-150 सीढ़ी होंगी वो चढ़ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है ना मनीष भाई? चढ़ जाएंगे। चलो भाई अभी कर लेते हैं एंजॉय और फिर मिलते हैं भाई। तो भाई देख लो कुछ ऐसा था अपना कैंपटी फॉल। ये हमारा फॉल है वाटरफॉल है और भाई ये पानी वहाँ से जाता जाता जा रहा है। अरे एक वहाँ पे है ना भाई पूल है उसके कुछ चार्जेस हैं। एक पूल है उसमें और दो चीज़ें और थी भाई वो मेरे को याद नहीं आ रही। तो वहाँ पे भी 100-200 रुपये की चीज़ है अगर वो करना है तो आप कर सकते हो आप आके अपने कैंपटी फॉल में। सो भाई रुक गए थे हम मैगी वगैरह कुछ खाने के लिए क्योंकि भाई भूख इतनी लग रही थी और भाई कैंपटी फॉल से आ चुके हैं। गाड़ी के बारे में भाई मैं आपको कुछ बात बताना चाह रहा हूँ भाई। गाड़ी नो डाउट बढ़िया है लेकिन यार पता नहीं क्यों तीसरे गियर में ना ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ना घुट रही है। पता नहीं क्यों या तो ऐसा हो सकता है घुटना नहीं कह सकते उसको यूँ कह सकते हैं कि अगर आप सेकंड गियर लगा रहे हो तो फिर थर्ड गियर मांग रही है थर्ड गियर लगा रहे हो तो सेकंड गियर मांग रही है लेकिन यूँ है घुट नहीं रही थोड़ी ऐसा तो हमें लगा कि इंजन सेटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम लगी हमें कि अगर जैसे आप हिल जा रहे हो तो आप अगर सेकंड गियर में लगा रहे हो उसे चला रहे हो तो कार अलग ही थर्ड गियर मांगती है एंड थर्ड गियर लगाने के बाद भाई वो कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाती है थर्ड गियर से और फिर दोबारा वो यू करने लग जाती है कि सेकंड गियर लगाओ तो ड्राइवर भी कंफ्यूज हो जाता है कि अब मैं कौन से गियर में चलाऊं तो ये बड़ी घिचड़ पिचड़ वाली बात हो जाती है। इस चीज़ में थोड़ा सा भाई सेकंड गियर में ज़्यादा जान दे देती है और थर्ड गियर में थोड़ी सी लगता है कि थोड़ा कम हो रही है। कम क्या बिल्कुल ऐसे हो जाती है कि चल ही नहीं रही ऐसे हो जाती है बिल्कुल। यूँ लगता है कि भाई अब छोटा गियर लगाना ही पड़ेगा जब जाके ऊपर चढ़ेगी ये चीज़ हो जाती है। भाई तू ऐसा कहना चाह रहा है क्या कि हमारी एक्सयूवी खराब है? भाई ऐसी बात कर रहा है भाई गलती से भी मत बोल दियो मनीष भाई सीधा देहरादून से नीचे सॉरी मंसूरी से नीचे सीधा देहरादून में घेर देगा तेरे को। ठीक है ना मनीष भाई ऐसे ही करेंगे ठीक है मैं तेरे साथ हूँ। सो भाई अब आ गए हैं हम कंपनी गार्डन नाम है भाई कंपनी गार्डन है भाई। ये दोनों तो सो गए थे मैं ड्राइव कर रहा था भाई झूठे आदमी चुप रहे। और अब अंदर जाने भाई बाहर से ही है ना मैं आपको बता दूं भाई 200 रुपये पार्किंग तो अपनी कैंपटी फॉल की लगती है 200 रुपये पार्किंग। भाई कोई छोटी मोटी पार्किंग होती है क्या 200 रुपये? और भाई 100 रुपये यहाँ की है कंपनी गार्डन की। और अब देखते हैं अंदर की टिकट कितने रुपये की है। 25 रुपये लिखा है पर हेड और देखते हैं। तो भाई अंदर से थोड़ा ऐसा सा है अपना कंपनी गार्डन भाई। यहाँ पे फूड प्लाजा है यहाँ पे थोड़े बच्चों के गेम्स वगैरह हैं यहाँ पे 11D सिनेमा है और ये है फोटो सर्विस मतलब फ़ोटो वगैरह खींचते होगा भाई। प्रेमी रेस्टोरेंट वेडीलाल भी है भाई यहाँ पे। तो भाई आगे देखते हैं भाई ग्रीनरी यहाँ पे खुशबू अलग ही लेवल की भाई मतलब खुशबू अलग ही है जैसे अपने नॉर्मल हम खेतों वगैरह में चले जाते हैं अपने दिल्ली में भाई वो ऐसे ऐसा मज़ा नहीं आता जो यहाँ पे आ रहा है भाई। देखना ऊपर की तरफ देखो सीन देखो भाई सीन देखो कुछ अलग ही चीज़ है भाई। बस मुंह से बयान नहीं हो रहा ऐसा ऐसी ग्रीनरी है यहाँ पे। ये फाउंटेन चल रहे हैं भाई ये बिल्कुल सेंटर में है इसके कंपनी गार्डन के। इसको कौन सी मस्ती छा रही है भाई, भाई अगर नीचे लगा तो और बच गया भाई बढ़िया है मनीष करके देख मनीष और रैकी की सेंट्रो के स्प्रिंग भाई यहीं पे लिया लाए गए सस्पेंशन
आगे एक वाटरफॉल है, अब वाटरफॉल चलते हैं, देखते हैं वाटरफॉल कैसा है। कैंप्टी फॉल जैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ठीक है, मजे लेंगे भाई, चलो चलते हैं। और एक वहाँ पे म्यूजियम भी था भाई, कोई उसका आधा बोर्ड फटा हुआ था, अंदर चलेंगे। क्या हाल है व्लॉगर भाई के? भाई बहुत बढ़िया, बढ़िया चल रहा है व्लॉग। यस भाई आ गए थे अंदर, और अंदर देखो अपनी ग्रीनरी कितनी है और फूल वगैरह, नर्सरी एक नंबर भाई, एक नंबर। देख के मजा आ गया भाई, इतना कैंप्टी फॉल में मजा नहीं आया था जितना यहाँ की। ऑक्सीजन वगैरह ना बहुत अच्छी सी आ रही है ना, और नमी बहुत है भाई। भाई इसको तो शायद ग्रीन हाउस कुछ बोलते थे ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट ऐसा कुछ। वो तो वो है कुछ ऐसा नहीं भाई, कुछ होता है भाई उसका, मेरे को ज्ञान नहीं, इतनी मैंने साइंस पढ़ी नहीं थी टेंथ में भाई। मैंने तो सोचा था ये वाटरफॉल नेचुरल होगा, लेकिन भाई ये मैन मेड है। हाँ बिल्कुल भाई, रैक की तो नीचे चला गया। अब जाते हैं अंदर, एक म्यूजियम है उसमें चेक करते हैं क्या है भाई। भाई यहाँ पे अपनी बोटिंग भी होती है, वो भी ग्रीन पानी के अंदर भाई, बिल्कुल काई वाला पानी है, बिल्कुल काई भाई, ये देख सकते हो यहाँ पे काई काई काई, सारी जगह काई है भाई, ग्रीन पानी हो रखा है बिल्कुल ग्रीन। भाई अभी थोड़ा ना भाई थोड़े ना सांस चढ़ गए हैं माउंट सॉरी भाई जॉर्ज एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे हैं भाई, इसको माउंट एवरेस्ट चढ़ाओ, इस बात को क्रेविंग हो रही है माउंट। हाँ भाई सांस चढ़ गए, एक किलोमीटर की वो आई, एक किलोमीटर की चढ़ाई है, लेकिन अभी हमारे 300-400 मीटर हैं भाई, उसी में सांस चढ़ गई, बिल्कुल स्टिफ चढ़ाई है। ये आपको लग रहा होगा कि भाई थोड़ी सी चढ़ाई होगी, लेकिन भाई बहुत बहुत खड़ी चढ़ाई है। और भाई ऊपर जा गए ना, व्यू पॉइंट दिखाते हैं आपको भाई, जिसका मेन मेन काम जो करने जा रहे हैं ना, वो यही देखने जा रहे हैं व्यू पॉइंट। क्यों रखे भाई? भाई किसी से नहीं बोला जा रहा, इसलिए ना ऊपर जाके बात करते, बहुत ज़्यादा सांस चढ़ रहे हैं, तो चलो ऊपर जाके बात करते हैं। सो भाई आ गए हैं हम अपने पीक पॉइंट पे, जॉर्ज एवरेस्ट के पीक पॉइंट पे। और भाई देखो हमारा एक नया दोस्त मिला है, तो भाई आ गए हम अपने भाई अपने पीक पॉइंट पे। और भाई देखो यार ऐसा लग रहा है कि जैसे नीचे भी बादल है, ऊपर भी बादल है, वहाँ पे भी बादल है, आपको इसमें जस्टिस नहीं हो रहा होगा अच्छे से, लेकिन हाँ बादल है, हमारे आसपास भी बादल है। देखो भाई वहाँ से देखो वो चलते हुए आ रहे हैं बादल भाई, आके है ना भाई, वर्थ हो ही गया, वर्थ था ये हमारे यहाँ पे आना ना भाई, बिल्कुल वर्थ था, नया दोस्त मिल गया और क्या। और भाई अब यहाँ पे थोड़ी सी फोटो क्लिक करवाते हैं, और भाई अपना चलते हैं यहाँ से, और भी जगह जाना है भाई, और भी जगह जाना है। और यहाँ पे हमारे को है ना भाई, और भाई हमारे को ना यहाँ पे पागल बनाया जा रहा था कि यहाँ पे ना भाई टाइगर है, टाइगर है, टाइगर है भाई, कुछ नहीं है टाइगर। और हमारे को बताया जा रहा था कि 10 किलोमीटर है, और भाई 10 किलोमीटर क्या, ये तो कौन सा था भाई, वो कौन सा गार्डन था रेकी? वो था भाई कंपनी गार्डन, भाई वो कंपनी गार्डन था। और कंपनी गार्डन से है ना ये है ना करीब होगा 5 किलोमीटर होगा, 5 किलोमीटर लास्ट था, उसके बाद नीचे गाड़ी खड़ी हो जाती है करीब 1.5 किलोमीटर नीचे भाई, 1.5 से 2 किलोमीटर ऊपर आए हम अपनी ट्रैकिंग करते हुए भाई। पक्का रोड था, ज़्यादा ट्रैकिंग वो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन जो भी मेहनत करी भाई वर्थ हुई है हमारी। और भाई और तो कुछ नहीं है ज़्यादा यहाँ पे, यहाँ पे थोड़े से रेस्टोरेंट वगैरह है, यहाँ पे भी है और उधर की तरफ भी है। तो भाई अब थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं और फिर चलते हैं नीचे की तरफ। सो भाई आ गए हैं जॉर्जो एवरेस्ट से नीचे, और भाई थकान हो गई है, अब जाके नीचे, अब नीचे जाके भाई थोड़ा ना खाना वाना देखते हैं, यहाँ से पानी पी लेंगे, मैं तो लस्सी पीने की सोच रहा हूँ, इन भाइयों का मन नहीं है तो ये पानी पियेंगे, और देखते हैं मैगी वैगी खानी होगी तो खा लेंगे, नहीं तो आगे जाके अपना डिनर ही करेंगे भाई, डिनर ही करेंगे सीधा, क्योंकि भाई मेरे को लगता है इसके ना 2 या 3 पार्ट जरूर बनेंगे इस वीडियो के, और हम देखते हैं कितने बनते हैं और उस हिसाब से डाल देंगे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। सो भाई फाइनली हम आ गए हैं अपने रूम में, और भाई अब हो गई है थकान, लेकिन थकान हो गई है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम मॉल रोड जाएंगे, मॉल रोड यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, तो भाई वहाँ पे जाएंगे थोड़ा खाए पिए, 2.5 किलोमीटर है भाई, 2.5 किलोमीटर है भाई, जाना कैंसिल करें? नहीं चलेंगे भाई, जरूर चलेंगे, थकेंगे बढ़िया भाई, जाके मॉल रोड जाते हैं और थोड़ा घूमते हैं, खाना वाना खाएंगे,
और भाई गाड़ी पार्क कर दी है भाई, होटल की पार्किंग थी, पार्किंग बोल के लाए कि भाई पार्किंग है, लेकिन पार्किंग दी नहीं। सो भाई इस वीडियो को आप यहीं पे एंड करते हैं, और भाई मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद भाई, जय हिंद बोलो सारे भाई, जय हिंद भाई।